बहुत बार आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा कि चाइना ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, चाइना ने भारत को घेर लिया, चाइना ने भारत के लिए काउंटर प्लान तैयार कर लिया। इन सारी चीज़ों को आपने बहुत सुन रखा होगा, लेकिन अब इस नए हिंदुस्तान की पावर ये है कि अब आपको सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए कि भारत ने अब चाइना को घेर लिया है, भारत ने अब चाइना के खिलाफ प्लान बना लिया है, भारत ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। और अब इन चीज़ों की आदत डाल लीजिए, क्यों? क्योंकि अब भारत ने अब वो रुख अपना लिया है। 20,000 स्टूडेंट्स पर खुनुस निकाला था चीन, बदले में भारत ने भी रद्द कर दी चीनियों का टूरिस्ट वीजा, और ये चीन के लिए बहुत मुंह तोड़ जवाब है। चीन है कि मानता नहीं, फिर से भारत से मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है चाइना को। क्या है ये मैटर और क्या है ये टॉपिक, आइए कि इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, प्लीज़ जो लोग पहली बार आए हैं प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पूरा देखिए। अगर इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती है किसी भी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, आपको कोई भी स्टूडेंट है, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है, अगर आपको गुड इन्फॉर्मेशन लगती है तो ही आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, अन्यथा वीडियो को शेयर मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगे तो ही आप लाइक कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, जब तक आप मेरी वीडियो को देखेंगे, एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, चार मिनट, तब तक उतनी मिनट की इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग तक आसान भाषा में पहुंचाना, ये सिर्फ जिम्मेदारी मेरी है। और आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चीनी नागरिक अब पर्यटन वीज़ा पर भारत नहीं आ पाएंगे, मतलब चीन के जो नागरिक हैं जो टूरिस्ट वीज़ा लेकर भारत घूमने के लिए चले आते हैं और यहाँ आके वो कुछ भी घूमते हैं, फिरते हैं, कुछ भी करते हैं, अब वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब भारत ने उस पर रोक लगा दी है। दुनिया भर में एयरलाइंस के संचालन पर नज़र रखने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन जो संघ है IATA ने कहा है कि चीनी नागरिकों को जारी किए गए भारतीय पर्यटन वीज़ा वैध नहीं रह गए हैं। चीनी पर्यटकों को भारत की यात्रा पर आने से रोकने का फैसला भारत की तरफ से चीन को मुंहतोड़ जवाब के रूप में देखा जा रहा है। चीन उन 20,000 भारतीय छात्रों को वापस आने की अनुमति देने से कतरा रहा है जो COVID-19 महामारी के कारण भारत से आ गए थे। बहरहाल शीर्ष अधिकारी जो सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि भारतीय चीनी को कारोबारी, रोजगार और कूटनीति को आधिकारिक वीज़ा अब भी जारी कर रहा है। चीन ने भी भेदभाव तो भारत ने भी एकदम तगड़ा उनको जवाब दे दिया है। चीन ने COVID-19 महामारी की नई लहर से जूझ रहा था, फिर भी वह थाईलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका के विद्यार्थियों को आने की अनुमति दे चुका था, लेकिन भारत के हजारों स्टूडेंट्स को अब भी बीजिंग की हामी का इंतजार कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने चीनी समकक्ष वांग यी, जो कि चाइना के विदेश मंत्री हैं, जिन लोगों को नहीं मालूम होगा वो समझ लें, चाइना के जो विदेश मंत्री उनका नाम वांग यी है, उनके सामने ये मुद्दा उठाया था कि जब वो पिछले महीने भारत दौरे पर आए थे, हालांकि चीन ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया रिएक्शन नहीं दिया है। भारत ने पिछले महीने 156 देशों के लिए इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीज़ा की सुविधा दोबारा बहाल कर दी थी, मतलब फिर से स्टार्ट कर दी थी। भारत ने COVID-19 का कारण 2 वर्षों के बाद 27 मई से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर दी हैं। चीन के साथ UK और कनाडा पर भी पाबंदियाँ हैं भारत की। भारत ने UK और कनाडा के नागरिकों को भी ई जो टूरिस्ट वीज़ा है उस पर आने से भारत पर रोक लगा दी है। हालांकि वो इन देशों में भारतीय मिशन की तरफ से जारी रेगुलर पेपर वीज़ा पर भी भारत आ सकते हैं। ताज़ा फैसले के तहत जापान और अमेरिका के सिवा किसी भी देश के नागरिकों को जारी किया गया है भारत का पर्यटन वीज़ा अब वैध नहीं होगा। ध्यान रहे कि भारत के टूरिस्ट वीज़ा की वैधता 10 वर्ष तक रहती है। वैश्विक संस्था IATA समय समय पर अपडेट देता रहता है और ताकि एयरलाइंस को पता चलता रहे कि किन किन देशों के नागरिकों को किन किन देशों की यात्रा की अनुमति देनी है, नहीं देनी है, इन सारी चीज़ों के लिए होता है IATA, ठीक है। उसने भारत को लेकर ताज़ा अपडेट 19 अप्रैल को जारी किया है, जिसमें उसने बताया कि किन किन देशों के नागरिकों ई टूरिस्ट वीज़ा पर भी अब भारत की यात्रा नहीं कर पाएंगे। भारत को लेकर मुगालता छोड़ रहा है अब चीन, नहीं छोड़ पा रहा चीन, पता नहीं क्यों चीन या मुगालता नहीं छोड़ पा रहा है, क्योंकि भारत उसके सामने झुक नहीं रहा है। और क्यों झुके भारत चाइना के सामने? पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिन लोगों को नहीं मालूम है LAC और OLSU में डिफरेंट होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे होती है और LOC बॉर्डर पे होती है। पर गड़बड़ी करने की कोशिश में मुंह खाने के बाद चीन को भारत समझ अभी भी जो चीन है अभी भारत को समझ नहीं पा रहा ठीक तरीके से, लेकिन फिर से समझना नहीं भी नहीं चाह रहा है। अगर LAC पर चित होने पर भी उसकी बुद्धि नहीं खुली तो कम से कम रूस यूक्रेन युद्ध के मामले पर भारत की दो टुक के आगे अमेरिका समेत तमाम ताकत और पश्चिमी देशों को घुटने पर टिकवा देना भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है उससे सीख लेनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि अकल पर ताले पड़े हो तो आपकी अपनी ताकत पर भी नाच करते रहते हैं, सामने वाले की शक्ति पर कभी नजर ही नहीं जाएगी। ये बात चीन के साथ भी है। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है, चाइना के लिए जो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है उस पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जो बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।